हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल्स एक्सरसाइज 7.9। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटेग्रल्स। हमें इंटेग्रल्स यहाँ पर करना है और फिर लिमिट पुट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस वन टू वन। तो हमें यहाँ पे लिमिट ऑफ सम नहीं करना क्योंकि ये कुछ गिवन नहीं है, तो सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको स्प्लिट कर लो, एक्स इंटू डी एक्स एंड वन इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक्स का इंटीग्रेशन एज यू नो एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, लिमिट लगाएंगे माइनस वन प्लस वन है, यहाँ पे नीचे माइनस वन है। वन का इंटीग्रल एक्स होता है। नाउ वन बाय टू आपका बाहर है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं वन, तो वन का स्क्वायर फिर माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट यानी एक्स की जगह पर माइनस वन पुट करेंगे और उसका स्क्वायर, अपर वन देन माइनस फिर लोअर लिमिट, दैट इज माइनस का वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन। तो वन में से वन गया जीरो, तो ये तो जीरो बन गया। वन प्लस वन टू, तो यू आर गेटिंग टू। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर टू आ गया है और ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन आती है अच्छे तरीके से तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट है वन अपॉन एक्स डी एक्स, लिमिट है लोअर टू और अपर है थ्री। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल यू नो लॉग एक्स होता है, नेचुरल लॉग यू कैन से, तो लॉग एक्स थ्री टू, तो उसके बाद आप पुट कर देंगे वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पहले तीन आ गया फिर दो आ गया। अब प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, अगर लॉग दो लॉग की टर्म्स है बीच में माइनस है तो उन्हें हम लोग डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थ्री अपॉन टू लॉग हमारा ये आंसर बन गया। थर्ड है हमारे पास फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन डी एक्स वन से टू। सबसे पहले स्प्लिट कर लेंगे हम लोग फोर एक्स क्यूब देन माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर देन सिक्स एक्स और नाइन यानी कि वन डी एक्स। जो कॉन्स्टेंट है उनको हमने अलग कर लिया और लिमिट्स यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। फोर तो बाहर ही है, एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, अपर लिमिट लोअर लिमिट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन टू और वन का इंटीग्रल एक्स। तो फोर के साथ फोर कट जाएगा, तो एक्स की जगह पहले टू पुट कर देंगे, टू की पावर फोर फिर माइनस लोअर लिमिट वन है तो वन की पावर फोर, फाइव अपॉन थ्री, तो एक्स की जगह पहले टू पुट करेंगे, टू का क्यूब माइनस वन का क्यूब, सिक्स अपॉन टू दैट इज थ्री, तो एक्स की जगह टू पुट करेंगे, टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और एक्स की जगह पहले टू पुट करेंगे फिर माइनस लगाकर वन पुट कर देंगे, टू की पावर फोर सिक्सटीन होता है, वन की पावर फोर वन होता है, टू का क्यूब
एट और वन का क्यूब वन, टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, टू में से वन गया वन, तो ये बन गया आपका 15, एट में से वन गया सेवन, फोर में से वन गया थ्री एंड नाइन इंटू वन नाइन, तो ये आप लोगों का बन गया 15 माइनस फाइव इंटू सेवन 35 अपॉन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन प्लस नाइन, तो इनको ऐड कर दो 15, 9 और 9, तो ये 33 बन गया आपके पास। नीचे मान लिख लेते हैं, माइनस का 35 अपॉन 3 है, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 64 अपॉन 3 है हमारे पास आंसर बन गया। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का डन हो गया। क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। अब साइन 2x dx और लिमिट है 0 से पाई बाय 4। साइन का हमें पता है इंटीग्रल माइनस कोस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x अकेला नहीं है तो जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में ले लेंगे, यानी कि 1/2, और जो पावर है दैट विल बी जीरो, सॉरी जो लिमिट है वो 0 पाई बाय 4। ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, तो माइनस का 1/2 इसको बाहर ही कर दो। सबसे पहले x की जगह पर पुट करेंगे पाई बाय 4, फिर x की जगह पर पुट करेंगे 0, तो cos पाई बाय 2 और ये बन जाएगा cos 0। cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो इट विल बी हाफ दैट इज 1/2। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डन हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे आज फिफ्थ। cos 2x 0 से पाई बाय 2, cos का इंटीग्रल साइन होता है लेकिन x का कोफिशियंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, 1/2 बाहर निकाल दो। पहले x की जगह पर अपर लिमिट पाई बाय 2 पुट कर देंगे, फिर लोअर लिमिट यानी कि 0 पुट कर देंगे, 2 के साथ 2 कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन पाई, साइन 2 इंटू 0 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये बन जाएगा आपका 0 अपॉन 2 यानी कि 0। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे डन हुए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।